बरका। तो आज हम यहाँ इस वीडियो में कहानियों का शनिचार का रजिस्टर किस तरह से रखना है ये देखेंगे। यह हमारा कहानियों का शनिचार का रजिस्टर इस तरह से है। कहानियों का शनिचार स्कूल का नाम है सर अहमद जैनब इमाम उर्दू प्राइमरी स्कूल सांगली, मौलिमा अफरोजा मोहम्मद आमिर नदाफ। यहाँ पर इसकी पूरी मालूमात दी गई है। एससीईआरटी के जेर निगरान में पूरे महाराष्ट्र में कहानियों का शनिचार सरगर्मी पिछले साल से शुरू की गई थी, जिसकी इफ्तिताह 2 अक्टूबर 2020 को हुई और 3 अक्टूबर 2020 को शुरू हुआ। हर शनिचार को इस सरगर्मी का आगाज़ हुआ। कहानियों का शनिचार ये सरगर्मी हर जमात के लिहाज से एक स्मार्ट पीडीएफ तैयार की गई है और उस पीडीएफ में जमात के लिहाज से ग्रुप बनाया गया है। अव्वल तो दुअम ग्रुप है, अव्वल तो दुअम ग्रुप है, सुअम तो चहरुम का ग्रुप है, पंजम तो षष्ठम का ग्रुप है और हप्तम तो अष्टम का ग्रुप बनाया गया है। और तो और कहानियों का शनिचार ये पीडीएफ उर्दू मीडियम, मराठी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के तीनों जबानों में तैयार की गई है। इस पीडीएफ में जमात अव्वल से अष्टम में कुछ इस तरह के पॉइंट हैं जो हर शनिचार को एक मैसेज के जरिए हमें मिलता है। सबसे पहला उसमें है जमात, महीने का मौजू, किताब का नाम, किताब की लिंक, सरगर्मी, ये सब नुकात इसमें हैं ताकि बच्चे अपनी जमात के लिहाज से कहानी का इंतखाब करें और इस कहानी को पढ़ें और आखिर की सरगर्मी को मुकम्मल करें। कहानी का मकसद इस तरह से हैं, बच्चों में पढ़ने की दिलचस्पी बढ़ाना, सुनने पढ़ने लिखने और बोलने की महारत की तरक्की हो। नंबर दो है अल्फाज के ज़खीरे में इजाफा होता है, बच्चों को इस सरगर्मी से खुशी हासिल हो, इनके इल्म में इजाफा होना चाहिए, इनमें एक बेहतरीन रवैया और रवैये में तब्दीली होनी चाहिए। कहानी के बहुत सारे तरीके होते हैं, कहानी सुनाना होता है, कहानी पर गौर करना होता है, फिल्मी कहानी होती है, बच्चों से पढ़वाना, कहानी को ड्रामे की सूरत में पेश करना, तस्वीरी कहानी। कहानी पढ़ते या सुनते वक्त किन बातों का ख्याल रखा गया है? कहानी का कुछ मकसद ऑब्जेक्टिव का तयन ज़रूरी है। कहानी सिर्फ तफरी के लिए न हो बल्कि इसमें बच्चों के इल्म, नॉलेज, हुनर, स्किल और रवैया एटीट्यूड में बेहतरी लाना है। कहानी का इंतखाब बच्चों की उम्र और जहनी सतह के मुताबिक किया गया है। कहानी पढ़ते वक्त कहानी का मरकजी ख्याल और अखलाकी नुकात वाजा हो और बार बार तलबा की तवज्जा इनकी तरफ मबजूल हो जाए। कहानी ख़त्म होने के बाद तमाम बच्चों को सरगर्मी में हिस्सा लेने की हौसला अफजाई की जाए और ख़ास तौर पर खामोश और शर्मिले बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाए ताकि इनमें खुद एतमादी आ जाए। तो यहाँ पर वापस एक नुकात आए, कहानियाँ क्यों अहम हैं? कहानियाँ बच्चों की तख़य्युलात को वसअत देने में मददगार होती हैं जिससे इनकी सोचने की सलाहियत बढ़ती जाती है। नंबर दो है पढ़ने से बोलने में बेहतरी आती है।
नंबर 3 है कहानियाँ दिलचस्पी होती हैं इसलिए बच्चे शौक से सुनते और पढ़ते हैं। तो कहानी के फवायद क्या है यहाँ पर देखेंगे, बच्चों को ज़हनी सलाहियत में इजाफा होती है। कहानी के ज़रिए बच्चों में अच्छे और बुरे में फ़र्क आता है। बच्चों के ज़खीरे अल्फाज में इजाफा होता है जबकि इनकी ज़बान में भी बेहतर होती है। कहानी पढ़ने सुनने से बच्चे की दिमागी सलाहियत को बढ़ाने में मदद देता है। यहाँ पर शिक्षक उपक्रम दिया गया है, तो अब इसका रजिस्टर हमें किस तरह से रखना है मैं आपको इस रजिस्टर में बताऊंगी। यहाँ पर जब कहानियों का सनीचर शुरू हुआ तो तब इसकी एक पीडीएफ आई थी, जमात के लिहाज से यहाँ पर दिया गया है, हर जमात की लिंक यहाँ पर अलग है। ये कहानी का सिलसिला 3 अक्टूबर से शुरू हुआ था। ये जो डार्क कलर दिखाई दे रहा है ये 5वीं जमात की कहानियों का है। 3 अक्टूबर से लेकर यहाँ इसकी पूरी पीडीएफ यहाँ पर प्रिंट निकाल कर चिपकाया गया है। यहाँ पर लिखा गया है गोष्ठीचा शनिवार, कहानियों का शनिचार 3 अक्टूबर 2020। इस तरह से हमें व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है, इस मैसेज को हमें पूरा इस तरह से यहाँ पर लिख कर लेना है। और जो सरगर्मी है इस सरगर्मी को बच्चों से करवाने के बाद में आपको यहाँ पर खुद से सरगर्मी पहले करनी है। उसके बाद में बच्चों को से सरगर्मी करवा कर उसके फ़ोटो यहाँ पर चिपकाने हैं। यहाँ से हमारे 10 अक्टूबर की कहानी का सिलसिला शुरू है। जमात है, महीने का मौजू है, किताब का नाम है, किताब की लिंक है, सरगर्मी है। यहाँ पर दिया गया है नारियल की बर्फ़ी या आपकी पसंदीदा कोई भी मिठाई बनाकर देखिए। यहाँ पर हमारे स्कूल के कुछ बच्चे मिठाई बना रही है, इसकी यहाँ पर तस्वीर बनाई गई है, चिपकाई गई है। कहानियों का सनीचर वापस 17 अक्टूबर यहाँ पर दिया गया है, कोई भी खिलाड़ी की एक तस्वीर बनाकर उसकी मालूमात लिखना है। इस लड़के ने एक बड़ा सा गेंद की तस्वीर बनाकर इसके अंदर पूरी मेरा पसंदीदा खेल क्रिकेट इसकी मालूमात इसमें लिखी है। यहाँ पर 24 अक्टूबर का है, 24 अक्टूबर का यहाँ पर दिया गया था। बच्चों ने सिर्फ कहानी में रंग भरना था, तस्वीर में। यहाँ पर हमारे बच्चों ने की हुई तस्वीर में रंग भरकर इस सरगर्मी को मुकम्मल किया है। यहाँ वापस है 31 अक्टूबर 2020, यहाँ पर सरगर्मी दी गई थी आपके घर से स्कूल तक जाने का एक नक्शा तैयार करें। इस नक्शे पर आपके दोस्त का घर, दुकानें, बाजार, ऐसी कुछ पसंदीदा जगह दिखाइए। इस नक्शे की फ़ोटो खींचकर उस्ताद को दिखाइए, फिर भेजिए। यहाँ हमारे बच्चों ने खुद यहाँ से अपने घर से स्कूल का आने का रास्ता इस नक्शे में बताया है। एक खुद मेरी एक सरगर्मी है, जब तक हम नहीं करेंगे हमारे बच्चे भी नहीं करेंगे। सबसे पहले मैं करने के बाद में हमारे क्लास के बच्चों ने अपने घर से स्कूल तक का रास्ता का नक्शा बनाया है।
इस सरगर्मी में बीज जमा करना था और तस्वीरें भी उसके चिपकानी थी। तो यहाँ पर बीज की तस्वीरें यहाँ पर लगाए गए हैं और बच्चों ने खुद से बीज जमा करके बीज का बैंक, बीजों का बैंक तैयार किया है। यहाँ पर रियाजी की सरगर्मी दी गई है। हर शनिचर के आने वाली सरगर्मी को हमें इस तरह से पहले लिखना है और उसके बाद में पीछे के सफ़े पर बच्चे या टीचर की सरगर्मी लिखकर उसकी फ़ोटो हमें चिपकाना है। जब से कहानी का सिलसिला शुरू हुआ था तब से इस रजिस्टर में यहाँ पर लिखा गया है 3 अक्टूबर से किताब की आप बीती है। यहाँ पर यहाँ गुलाब फूल की आप बीती दी गई है। यहाँ पर बच्चों ने खुद बाकी आप बीती लिख कर लाए हैं। आप 26 दिसंबर की सरगर्मी में यहाँ पर कौवे और कोयल की तस्वीर बनाई है और इन दोनों में परिंदों में क्या फ़र्क है पहचानी है यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर खुद से कौवे और कोयल की तस्वीर चिपका कर यहाँ इसकी दोनों में फ़र्क यहाँ पर लिखा गया है। और यहाँ पर हमारी एक स्कूल की बच्ची ने यहाँ पर कर लाई है, इसकी भी तस्वीर यहाँ पर चिपकाई गई है कोयल और कौवे की। यहाँ से बच्चों को नाव या बोर्ड बनानी थी तो बच्चों ने खुद बेकार अशिया से यहाँ बोर्ड तैयार की है। अब इस सरगर्मी में 16 जनवरी 2021 में यहाँ पर आप एक फलदार दरख्त बनाकर उसका ग्रीटिंग कार्ड तैयार करने के लिए कहा गया था। यहाँ पर खुद से मैंने तैयार की हुई ग्रीटिंग कार्ड यहाँ पर चिपकाई हूँ। यहाँ इस सरगर्मी में कोलाज काम करना था कागज़ के टुकड़ों से। यहाँ पर आबी चक्कर कागज़ के इस टुकड़ों से बनाया गया है। यहाँ पर कागज़ के इसी टुकड़ों से भारत का नकाशा भी तैयार किया गया है। यहाँ पर बच्चों के बाल संवारने के बाद में बच्चे किस तरह से दिखाई देते हैं इस सरगर्मी में हमारे बच्चों ने मुकम्मल की है। यहाँ इस सरगर्मी में कोई एक भूत बंगले की तस्वीर बनानी थी पुरानी इमारत, यहाँ पर इसकी तस्वीर बनाई गई है। अब इस सरगर्मी में 20 नवंबर की 2021 में यहाँ पर और 27 नवंबर की सरगर्मी में
बच्चे खुद से जहाँ जहाँ पर कायमा जाविया दिखाई देता है इसकी तस्वीर यहाँ पर उन्हें बनानी थी। जहाँ जहाँ कायमा जाविया बनाए हैं इसकी तस्वीर यहाँ पर चिपकाई गई है, जहाँ नवो दर्जे बनता है। चार दिसंबर की सरगर्मी थी। इस तरह से हमें हर शनिचर की जो गोष्ठी चार शनिवार कहानियों का शनिचर सरगर्मी आ रही है, इसे हमें लिखकर रखना है और बच्चों को इस सरगर्मी बच्चों से हमें सरगर्मी करवा कर लेनी है। खुदा हाफिज़।